अपने लाइसेंस का स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा किसी स्टेट से आपका लाइसेंस इशू हुआ था उसके बाद इसकी पे क्लिक कर ले अब यहाँ पर डी एल सर्विसिज है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डी एल पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर तो डालें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें ये कैप्चा आप चोट यहाँ पर डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा नाम दिख जाएगा फादर नेम डेट ऑफ बर्थ ब्लड ग्रुप एड्रेस पे आपका फोटो दिख जाएगा नीचे साइन दिख जाएंगे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आर टी ओ दिख जाएगा और इधर आपके वैलिडिटी दिख जाएगी लाइसेंस की तरीका तो ये है दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं यहाँ पे और सर्विसेज पे क्लिक करके नो योर लाइसेंस डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें कैप्चर यहाँ पर डाल के चेक स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ से भी आपके लाइसेंस की डिटेल आ जाएगी तो ये तरीका है ये उम्मीद है वीडियो आज का आपको पसंद आई है वीडियो आज की आपको आज आज पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब शुरू कर दीजिए और घंटी दबाकर क्लिक कर दीजिएगा